हिंदुस्तान में भी इंडिया अलायंस कांग्रेस की उसमें नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और जब हमें घोषणा पत्र तैयार किया है राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र का, तो क्या करेंगे? पांच चार मोटी बात बता रहे हूँ, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है हर वर्ग के लिए। एक तो 2014 और 2024 के बीच में केंद्र की 30 लाख पक्की नौकरी इन्होंने भरी दी। तो भाई वहां कहा है हमने कि 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख बच्चे केंद्र सरकार में लगाएंगे। इसी प्रकार से जो बेरोजगार है, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक है, बेरोजगार भाई है हमारे, उनको अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए साल की देंगे जब तक उनका वो नहीं होगा। और इसी प्रकार से ये सब हमारी मातृशक्ति है, मदर डे है, इनके बारे में भी परिवार में, हर परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसके नाम 1 लाख रुपए साल जाएगा महिलाओं के नाम। और इसी प्रकार से किसान का आपने देखा कितने साल अपना, 1 साल 13 महीने के करीब संघर्ष चला हरियाणा में। 3 कानून लेके आई थी सरकार, काले कानून, उनके विरोध चला और बहुत सारे शहीद हुए हमारे भाई। इस मौजूदा हरियाणा सरकार ने उनके रास्ते रोके, कीले ठोकी, लाठियां चलाई और 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। तो इस वास्ते उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, और एमएसपी जो है स्वामीनाथन फार्मूले से दी जाएगी, क्योंकि मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है। किसान की खेती कब लाभदारी होगी? जब होगा, जब जितनी लागत है जमा 50% मुनाफा, इतनी इसको कीमत मिलेगी जब लाभदारी होगी कीमत, नहीं तो लाभदारी धंधा नहीं हो सकता ये। और जो मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, उनकी कम से कम 400 रुपये रोज की मिलेगी, और ये आप है। अब सवाल आ गया कि आज चुनाव है लोकसभा का, मैं ये कहने आया हूं कि भाई ये चुनाव जो है रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लिए केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये तो ठीक है, जो हालात बन रहे हैं, दीपेंद्र जी को, आप दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से जिताने का मन बना लिया आपने, लेकिन ये अकेली लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव फैसला करेगा कि अगले 3-4 महीने में जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं वो किसकी सरकार होगी, ये फैसला करेगा रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र का। और एक भाई देख, बात सुनो, मैं इतने बोलूं, इतने नारे मत लगाओ, 2 मिनट आराम से सुनो। दूसरी, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं, आपने तो मेरी छुट्टी कर दी थी, तू हरियाणा में बाहर जा, बाहर ही जाया हूं, सारे घूम के आया हूं मैं। आज मैं आया, मैंने कहा भाई इस्माइल गांव का जब तक आशीर्वाद नहीं लेंगे काम बनेगा नहीं, जरूरी है। तो सारे हरियाणा में घूम के मैं एक बात कह के जा रहा हूं, 36 बिरादरी ने यह फैसला कर लिया है कि आने वाली हरियाणा की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे।